बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल क्विक रेसिपीज़। क्विक रेसिपीज़ में आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी समोसा। मैक्रोनी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये समोसा पट्टी ली है। ये रेडीमेड समोसा पट्टी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। मैक्रोनी बॉयल की हुई ली है हमने 1 कप। कटी हुई बंद गोभी ली है हमने 1 कप। शिमला मिर्च फाइनली चॉप ली है हमने 1/2 कप। केचप 2 टेबल स्पून, मायोनीज 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सूख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 हमने चिकन क्यूब लिया है और 1/2 टीस्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिया है। एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल आपने लेना है। इस ऑयल में हम ऐड कर देंगे ये कटी हुई बंद गोभी और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। तो आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही हम इसमें ये सब स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। अगेन इसको मिक्स करेंगे। मसाला जार डालने के बाद हमने तकरीबन इसको 30 सेकंड तक मिक्स किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने के बाद हमने इसको 30 सेकेंड्स के लिए मज़ीद कुक किया है। अब हम इसे ये बॉयल की हुई मैक्रोनी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद है कि मैक्रोनी बॉयल करने के बाद आपने 1 कप लेनी है। मिक्सर को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो हम इससे फिलिंग करेंगे समोसों की। एक और चीज़, ये मिक्सर बनाने में जस्ट हमने 2 मिनट्स दिए हैं। आपने सब्जियों को या इस मैक्रोनी को ज़्यादा कुक नहीं करना। जस्ट 2 मिनट्स में ये सारा प्रोसीजर हमने कम्प्लीट कर लिया है। मिक्सर रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसमें मायोनीज ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मायोनीज हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है इस मिक्सर के अंदर। अब हम इस मिक्सर से समोसे तैयार करेंगे। समोसे तैयार करने के लिए मैंने मैदा और पानी को मिक्स करके ये पेस्ट बनाया है जस्ट समोसों को बाइंड करने के लिए। सो समोसा तैयार करने के लिए आप पट्टी को अपने हाथ में लेंगे इस तरह से। ये देखें, ये फिंगर मेरी बाहर है, उसमें ऐसे रखा है। इसको आपने यहाँ से बहुत अच्छी तरह से बंद करना है। इसका कोई भी किनारा खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर खुला रहेगा तो उसमें ऑयल चला जाएगा। ये देखें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अपने हाथ में ये 3 फिंगर्स इस तरह से हैं। आपने इसको प्लेस करना है इस तरह से। फिर आपने इसके अराउंड टर्न करना है। इस एज को थोड़ा सा आपने यहाँ से प्रेस करना है ताकि इस तरह से थोड़ा सा क्लोज हो जाए। देन आप ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये फिंगर्स की मदद से यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसको बंद कर लेंगे। अब ये कोन की शक्ल में आ चुका है। इस कोन को आप अपने हैंड से प्लेस करेंगे और ये मिक्सर इसमें अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। सॉरी, मिक्सर हमने इसमें डाल दिया है। अब ये जो किनारा बच गया है इस पर दोबारा से हम ये पेस्ट लगाएंगे। ये दोनों पे आप लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से जुड़ जाएं और यहाँ से इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये किनारा खुला हुआ फील हो रहा है, तो आपने इसको खुला नहीं छोड़ना। आपने ये थोड़ा सा पेस्ट यहाँ लगाना है तो इसको बंद कर लेना। सो इस तरह से
हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। समोसे हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको 10 मिनट तक फ्रीज करेंगे, देन हम इन्हें फ्राई करेंगे। 10 मिनट्स तक फ्रीजर में रखने के बाद अब हम इन समोसों को फ्राई करने जा रहे हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया है। हम इनको मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक आप भी इस रमजान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप ज़्यादा समोसे बना के फ्रीज करना चाह रहे हैं तो जितने इंग्रेडिएंट्स में लिए थे उनको डबल करें और समोसे बनाएं उनको फ्रीज करें। ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं दोनों तरह से, अब हम इन्हें एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल लेंगे। क्रिस्पी मैक्रोनी समोसे तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।